एवरीवन, ज्योति देसाई फ्रॉम ज्योति जुडिशरी कोचिंग। आप सभी को पता है कि हरियाणा जुडिशरी का जो एग्जाम है वो भी डेट नोटिफाई हो गई है और आरजेएस के एग्जाम्स की डेट भी नोटिफाई हो गई है। हरियाणा जुडिशरी एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 13th of November एंड राजस्थान जुडिशरी विल बी कंडक्टेड ऑन 28th November। तो अभी टाइम कम है और कोर्स बहुत सारा है, ठीक है। वी हैव टू फॉलो द स्ट्रैटेजी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी आप क्या फॉलो कर रहे हो। आपको आपका शेड्यूल पता होना चाहिए, आपका डेली रोज एवरी डे योर शुड बी डिजाइन, और आपको उस डिजाइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एवरी डे व्हेन यू कंप्लीट योर डेली टारगेट, एवरी डे यू स्टेप टूवर्ड्स योर अल्टीमेट गोल। तो हमें जो है डेली शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप डेली शेड्यूल कैसे बनाए? देखिए, दो एग्जाम्स हैं हमारे, तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं जो भी हरियाणा जुडिशरी में आते हैं और जो भी राजस्थान जुडिशरी में आ रहे हैं। तो देखिए, ज्यादातर कोर्स जो है 85% कोर्स जो है वो सिमिलर है, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर मैं अलग सेक्शन, अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो हरियाणा जुडिशरी में पार्टनरशिप एक्ट एक्स्ट्रा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक्स्ट्रा है, फैमिली लॉ एक्स्ट्रा है, और इसके जो लोकल एक्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा है। ये तो सिर्फ दो ही हैं और ये बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब इनको आप मान के चलिए जो लोकल एक्ट्स हैं इनको आपको दोनों एक्ट्स को देने के लिए आई डोंट थिंक सो 5 आवर्स ही देने की जरूरत पड़ेगी, उससे कम में ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको आप इतना वरी मत करो। व्हाट यू डू, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं हरियाणा जुडिशरी में और आरजेएस में, जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है हम आप उसको पहले उठाएंगे। एंड प्लीज मेक श्योर, मेक अ लिस्ट। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था, जब ऐसे कम टाइम रह जाता है तो व्हाट यू हैव टू मेक टू लिस्ट। एक लिस्ट वन बनाइए, एक लिस्ट टू बनाइए। ये मतलब लिस्ट वन हुई आपके बिग सब्जेक्ट्स की, जो आपको लगता है कि इनमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। वो लिस्ट हुई, एक स्मॉल सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें कि हम सब्जेक्ट्स को क्लब कर सकें। मैंने यहाँ पे लेट सपोज सीआरपीसी उठाया, तो इसके साथ मैं सारे जो है क्लब कर सकती हूँ। तो मतलब सीआरपीसी को मैंने ज्यादा टाइम दिया, एसआरए को मैं कम टाइम दूंगी तो भी मेरा वो सब्जेक्ट कंप्लीट होता चला जाएगा। फिर सीआरपीसी ही चल रहा है, उस बीच में मेरा एसआरए लेट सपोज सीआरपीसी को करने में अब टाइम तो कम है, आपको 10 दिन देने का टाइम नहीं है किसी एक सब्जेक्ट को। लेट सपोज आपने फिर 27 डेज रखे, ये आपका 3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर आपने एक इंडियन लिमिटेशन एक्ट उठाया, ये तो आपको 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा, 2 डेज में आपको स्पीड अप करना पड़ेगा। आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू पीपल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बिट प्रिपेयर्ड इन एडवांस। जो जीरो पर है ये स्ट्रैटेजी उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज उनके लिए है जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट द कोर्स, अबाउट द सब्जेक्ट्स, ओके। ये उनके लिए है। तो सीआरपीसी चल रहा है आपका 7 डेज में, इस बीच में आपने सारे लिमिटेशन कर लिया है ना, और अभी भी आप देखो 3 4 5 अभी भी 2 दिन बाकी है। अब लेट सपोज आप एक बड़ा सब्जेक्ट उठा सकते हो, बड़ा इन द सेंस लेट सपोज आपने कौन सा क्लब कर सकते हैं, यहाँ आप देखो, हाँ हम यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट या हम पार्टनरशिप एक्ट उठा सकते हैं, ये भी छोटे छोटे हैं। आपने लेट सपोज पार्टनरशिप एक्ट उठा लिया, अब वो 2 दिन में तो नहीं होगा, इट विल अगेन टेक 3 डेज, बट ठीक है, हमारा 7 दिन में सीपी सीआरपीसी खत्म हुआ अलॉन्ग विद सारे इंडियन लिमिटेशन एक्ट, और पार्टनरशिप हमारा हाफ कंप्लीट हो गया है ना। मतलब एक ही दिन का एक्स्ट्रा रहेगा, 2 दिन तो यहाँ कवर हो गए, एक दिन का आगे हो रहा। अब आपने लेट सपोज अगला आपने सीपीसी आईपीसी उठाया, आईपीसी अगेन विल टेक 7 डेज, अब इन 7 डेज में 1 डे तो यहाँ पर हो गया। लाइक वाइज दिस इज हाउ यू शुड क्लब योर सब्जेक्ट्स, ताकि आप साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट्स को लेके चले इन अ डे, उससे ज्यादा नहीं ले पाओगे, 2 ही सब्जेक्ट्स ले पाओगे। 2 सब्जेक्ट लेके चलना जरूरी है अगर कोर्स कंप्लीट करना है तो, ठीक है। पहली चीज तो ये आप 2 2 सब्जेक्ट लेके चले। फिर देखिए इनमें एक्स्ट्रा क्या आता है, एक तो हरियाणा में आप देखिए करंट अफेयर्स आता है, और लोकल हरियाणा के बारे में भी वो पूछ लेते हैं कि उनका जोग्राफिकल एरिया हो गया, वहाँ पे क्या चीज पॉपुलर है क्या चीज नहीं है, लाइक दैट, कौन सी रिवर आती है, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ
कहाँ जाके मिलती है, ये सब चीजें कॉमन बेसिक वो पूछ लेते हैं हरियाणा लोकल से, करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। दैट मीन्स आपको, आप करंट अफेयर्स अगर आप पहले से मैगजीन पढ़ते हुए आ रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं पढ़ के हुए आ रहे हो तो वो, देर आर सो मेनी पीपल हु मेक्स यूट्यूब वीडियोज ऑन करंट अफेयर्स, आप इन यूट्यूब वीडियोज को डेली बेसिस पे देख सकते हो। एक्स्ट्रा टाइम मत दो, जब भी आप यू नो हैविंग अ फूड, जब खाना खा रहे हो या आपका जो फ्री टाइम है उस टाइम पर आप देख नहीं रहे हो तो एटलीस्ट सुन लो, ठीक है ना। अगर सुनते भी रहोगे तो वो कानों में जाती रहेंगी बातें, उस टाइम पर इन यूट्यूब वीडियोज को कवर अप करिए, आपको मिलेंगी यूट्यूब वीडियोज, आप सर्च करोगे मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हरियाणा तो चलता हुआ। अब दो चीजें हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ हरियाणा ही देना है आरजेएस, उनके लिए फोकस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए आरजेएस फोकस्ड है, हरियाणा इतना फोकस नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दोनों को फोकस करना चाहते हैं, तो जो दोनों को फोकस करना चाहते हैं वो तो यही करें, दो सब्जेक्ट चलाएं जो अभी कॉमन है, पहले उनको उठाएं, जो अनकॉमन है उनको बाद में उठाएं, यूट्यूब वीडियो चलाएं, प्लस साथ में हिंदी और इंग्लिश, जो आरजेएस को भी फोकस करना चाहते हैं वो ये रोज अभी भी करें। आई मीन इस टाइम पर भी उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 10 डेज में आप हिंदी इंग्लिश कवर अप नहीं कर पाओगे, और आरजेएस में 30 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश कवर करता है, तो यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। आप अपना, अब आपको पता है कि मुझे रोज इतना करना है, दो सब्जेक्ट्स करने हैं, YouTube वीडियो देखना है, और मुझे हिंदी और इंग्लिश करना है, ठीक है। अगर आप आरजेएस फोकस नहीं कर रहे तो हिंदी और इंग्लिश को मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट अफेयर्स करिए। हरियाणा में आपको करंट अफेयर्स थोड़े आते हैं और बाकी लॉ पोर्शन ही आता है। 125 क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि 110 टू 112 ये सिर्फ और सिर्फ लॉ के ही क्वेश्चन आते हैं, इवन मोर देन दैट 115 ही ले लो आप, ठीक है। 10 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपके इसके करंट अफेयर्स कवर करेगा और लोकल हरियाणा का कवर करेगा, और हो सकता है इससे भी कम, मतलब इतना ही वेटेज लेता है, उससे ज्यादा नहीं लेता है। बट प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि हम ये करेंगे, ये करना तो है ही आपको, ठीक है। तो ये है, ये आपको रोज करने, 1, this is 2 and this is 3। अब आप इनको आवर्स में डिवाइड कर लीजिए कि आपको कितने घंटे किस टाइम पर, देखिए ये काम आप खुद कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं अपना डे कैसे स्टार्ट करती हूँ, किस टाइम पर स्टार्ट करती हूँ, और मेरे सामने क्या क्या चीजें हैं, व्हाट हाउस कोज आई हैव टू डू, व्हाट थिंग्स आई हैव टू डू, तो उस हिसाब से मैं मैनेज करूंगी। आप अपने हिसाब से करें, पहले तो ये आपने लिस्ट आउट कर लिया कि रोज का ये करना है। अब ये रोज का हमें कितना कितना टाइम देना है, लेट्स सपोज दो सब्जेक्ट्स को करने में मुझे, मैं 3 घंटा सीआरपीसी को दे रही हूँ और छोटे सब्जेक्ट को मैं 1.5 और 2 आवर्स दे रही हूँ, 4 और 5, ये तो हो गए अपने 6 आवर्स। यूट्यूब वीडियोज को मैं लेट्स सपोज 45 मिनट दे रही हूँ, और मैं हाउ आई एम मैनेजिंग इट वो आप देख लो, क्योंकि खाली आपको सुनना है तो आप वैसे भी सुन सकते हो। हिंदी इंग्लिश को आप दोनों को अगर आप 1/2 hour और 1/2 hour भी देते हो, मतलब 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा, तो 6 मैं इसको 1.5 hour देखती हूँ, 45 मिनट्स, तो 6, 7, ठीक है, और ये 8, मतलब ऑल ओवर मैंने 8.5 घंटे की आपको पढ़ाई बता दी। अब ये 8.5 घंटे आप कैसे दिन में डिजाइन करोगे आपकी इशू है, वो आप डिजाइन करो, ठीक है। और अपने कोर्स को आप कंप्लीट करिए, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो मान के, और हाँ अपनी आप डेडलाइन लीजिए 5th November, 5th November, जब ये 5th नवंबर तक आपका एक बार हो जाएगा फिर आप दोबारा से रिवाइज करोगे। तो आफ्टर 5th November देयर शुड बी अ रिवीजन, वहां पर रिवीजन के टाइम पर आप हिंदी इंग्लिश रोक सकते हो, ठीक है, फिर हिंदी इंग्लिश मत करना, सिर्फ रिवीजन करना। और जब रिवीजन करोगे तो लास्ट मिनट्स नोट्स भी आप बनाएंगे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मिनट नोट्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, आप अगेन पॉइंटर्स वही बना सकते हैं जिन्होंने कुछ पहले से पढ़ रखा हो, ठीक है ना, वो तो बना सकते हैं, जो भाई जीरो पर है वो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, to be very honest, this video is not for them, this video is for people who has already preparing in advance, उन्होंने लॉकडाउन में पढ़ाई की है, ठीक है। लास्ट मिनट नोट्स पॉइंटर्स कैसे बनते हैं, आप पॉइंट्स में लिखिए, जैसे जब आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना
तो क्या होगा, आपको पता होगा कि ये तो मुझे आता है, बट मैं ये पॉइंट भूल जाता हूँ। जो पॉइंट मैं भूल जाता हूँ उसे एक लाइन में लिख लो। लेट सपोज मैं सेक्शन नंबर भूल जाता हूँ, 302 भूल जाता हूँ, 302 लिख लो, मर्डर है। सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखनी है, सिर्फ पॉइंटर्स लिखने हैं। हर सब्जेक्ट का आप पॉइंटर्स बनाएंगे, और ये पॉइंटर्स आप कब पढ़ेंगे, ये पॉइंटर्स आप हर सब्जेक्ट के 12th of November को पढ़ेंगे। अगर 11th से शुरू कर सकते हो तो 11th से कर लेना, अदरवाइज ये आप 12th of November को सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंटर्स पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी का तो आपको याद था, जो आप भूल जाते हो वो ये पॉइंट्स भूल जाते हो। अब इन पॉइंट्स को आपने लास्ट टाइम पर रिवाइज कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा, और जब आप ये पॉइंटर्स लास्ट मिनट में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ भाई हमने रिवाइज कर लिया। अदरवाइज लास्ट टाइम पर आप थोड़ी ना कोई सारे इतने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, तो आपको लास्ट मिनट नोट्स ये बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये बना लेते हो, दिस विल गिव यू एज टू योर प्रिपरेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपका हरियाणा का पेपर 13th of November को हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ही होगा, हम क्यों सोचे कि अच्छा नहीं होगा, अच्छा होगा। हमने पढ़ाई करी है, हमने मेहनत किया, टाइम दिया है, हम स्टिक रहे हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं, हार्डवर्क किया है, तो डेफिनेटली होगा। ये मत सोचिए रिजल्ट क्या होगा, क्या सोचना है हमें कि हमें हमारा बेस्ट कैसे देना है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम राइट नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, प्लीज गिव इट टू योर स्टडीज एंड नथिंग एल्स। कुछ मत सोचो, सिर्फ पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, बस हमें ये प्लान आउट करना है। अब अगर आपका 13 नवंबर को हमने इतनी प्रिपरेशन करके कर लिया, तो राजस्थान का 90% तो हमारा वैसे ही प्रिपेयर हो गया। यहाँ तो हमें सिर्फ रिविजन करना है, एक्स्ट्रा क्या रहेगा, एक टीपीए रहेगा एक्स्ट्रा, और आपके लोकल एक्ट्स रहेंगे। लोकल एक्ट्स को 13 नवंबर के बाद ही देखना, उससे पहले मत देखना। लोकल एक्ट्स जो है इजी इजी है, सिर्फ एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, टफ नहीं है, बड़ा है बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज सारे सब्जेक्ट्स जो लोकल एक्ट्स हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉस्को हो गया, आपका रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, ये सब ऐसे ऐसे हैं जिनमें आपने अगर कभी भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आपको हर एक सब्जेक्ट में 2-2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर आप उसको बहुत अटेंटिवली पढ़ते हो तो। प्रोबेशन एक्ट तो और भी कम लेगा, हार्डली वो 5 पेजेस का वो एक बैरेक्ट है। एनआई एक्ट सिर्फ एक चैप्टर आता है, सेक्शन 138 से 143 तक आता है, तो उन सब चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आप सब बाद में देखिएगा, ये तो बाद में होगा। और एक टीपीए एक्स्ट्रा है, बाकी तो सब ये कॉमन है, तो 90% तो आरजेएस हमारा वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी होगी। ये मैंने एक जनरल स्ट्रैटेजी बताया, अदरवाइज सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि आपको आपका डेली शेड्यूल जरूर पता होना चाहिए, एंड स्टिक दैट शेड्यूल टू योर ऑन एनी वॉल अपने रूम में, जहां पढ़ते हो वहां स्टिक करो, और रोज उसको कट करो। मंडे लिखा है इसको कट करो, ट्यूसडे लिखा है इसको कट करो, मतलब ये हमने कट करना, इन सेंस हमने अटेन कर लिया है। अब आप देखो हमने मंडे जो करना था वो कर लिया, दैट मीन्स ये दिन हमने वर्थ लिव किया और हमने यूटिलाइज किया, और हम अपने गोल की तरफ बढ़ गए। ठीक है, सो दिस इज ऑल आर दी यू नो स्ट्रैटेजी। अगर हाँ, इसके पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेक्ट का अगर आपको नहीं है नॉलेज, तो आप क्या कर सकते हो, ये इसका प्रतियोगिता दर्पण आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, इसका क्वालिटी एडिशन ले सकते हो, बहुत अच्छा है, इतने में पीटी तो निकल जाएगा, मेंस का हम बाद में देख लेंगे। और इसमें एक आप वो भी ले सकते हो, लूसेंट भी ले सकते हो, इसमें जो क्वालिटी पोर्शन है आप वो देख सकते हो, तो हरियाणा के प्रीलिम्स के हिसाब से ये सफिशिएंट है, मेंस में तो और भी देखना पड़ेगा, बट हाँ इतना आपका ये उसके लिए हो जाएगा। एंड एनी अदर पॉइंट लेट मी चेक, आई हैव नोट डाउन एवरीथिंग। ठीक है, तो रोज का आपका क्या हो गया, एक आई एम जस्ट मेकिंग इट फेयर, डेली के 2 लॉ सब्जेक्ट्स ये हुए आपके, एक आपका रोज का करंट अफेयर का वीडियो हुआ। ठीक है, एक आपका हिंदी एंड इंग्लिश, इफ यू आर फोकसिंग ऑन राजस्थान एज वेल,
एक आपका हो गया क्वालिटी, अगर आपने मतलब डायरेक्ट से नहीं पढ़ रहे हो और क्वालिटी आपको, अगर ये मैंने आपको बताया पीनी पढ़ना है यानी प्रतियोगिता दर्पण या लूसेंट पढ़नी है, तो इसके रोज अगर आप 2 पेजेस भी रोज कर रहे हो टोटल 13th of November और बिफोर दैट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी चीजें हमें रोज लेके चलनी है, ठीक है। और डेडलाइन मैंने आपको बताई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 5th November होनी चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। 5th November के बाद आप रिविजन करोगे, रिविजन जब करोगे तो इसके साथ आप लास्ट मिनट नोट्स बनाओगे। ये सिर्फ पॉइंटर्स में होंगे जिनको आप कब रिवाइज करोगे, 11th and 12th of November को करोगे। एक बार को अगर नवंबर को नहीं, 11th को नहीं भी होता तो एटलीस्ट 12th को करोगे। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, चंडीगढ़ तक पहुंच रहे हो, रास्ते में करा, रात में सोते टाइम करा, सुबह अपने एग्जाम्स देने से पहले किया। वन मोर टिप, एग्जाम देने से पहले अपनी बुक्स बंद कर देना 2 घंटे पहले, या 2 घंटे पहले नहीं तो एटलीस्ट जाने से पहले अपनी बुक्स बंद कर देना। 1 घंटे के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करिएगा आप लोग, प्लीज टेक अ बाथ एंड फ्रेश योर माइंड, प्ले अ म्यूजिक, व्हाटएवर यू फील लाइक, बट एग्जाम की टेंशन मत लेना क्योंकि टेंशन में गड़बड़ हो जाती है। वी डोंट हैव टू टेक टेंशन, डोंट गेट पैनिक, सब कुछ हो जाता है, सिर्फ हमें एक प्लान वे में चलना है, ठीक है। So I hope these tips will work for you and thank you so much. Bye bye, take care. If you really like the content, then please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.